साथियों, लॉजिस्टिक्स सेक्टर की एक और बड़ी चुनौतियों को भी हमारी सरकार ने बीते वर्षों में समाप्त कर दिया है। पहले अलग अलग राज्यों में अनेक टैक्स होने के कारण लॉजिस्टिक्स की रफ्तार पर जगह जगह ब्रेक लग जाता था, लेकिन जीएसटी ने इस मुश्किल को आसान कर दिया है। इसके कारण अनेक प्रकार के पेपर वर्क कम हुए, जिससे लॉजिस्टिक की प्रक्रिया आसान हुई है। बीते कुछ महीनों में सरकार ने जिस तरह ड्रोन पॉलिसी में बदलाव किया है, इसे पीएलआई स्कीम से जोड़ा है, उससे ड्रोन का इस्तेमाल विभिन्न चीजों को पहुंचाने में भी होने लगा है। और आप मान के चलिए, युवा पीढ़ी जरूर मैदान में आएगी, ड्रोन ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा क्षेत्र विकसित होने वाला है। और मैं चाहूंगा कि दूर दराज जो हिमालयन रेंजेज के छोटे छोटे गांवों में कृषि उत्पादन होता है, उसको ड्रोन से हम कैसे लाएं। जहां समुद्री तट है और लैंडलॉक इलाका है, अगर उनको मछली चाहिए तो ड्रोन से फ्रेश मछली पहुंचाने का बड़े शहरों में लैंडलॉक्स एरिया में कैसे प्रबंध हो, ये सब आने वाला है जी। अगर ये आइडिया किसी को काम आए तो मुझे रॉयल्टी की जरूरत नहीं है। साथ ही मैं इसलिए इन सारी बातों को कहता हूं, खास करके टॉप टैलेंट वाले इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में ड्रोन दवाइयां ले जाने में, वैक्सीन ले जाने में हमें पिछले दिनों बहुत मदद पहुंचाई है। हम उसका प्रयोग कर चुके हैं। आने वाले समय में मैंने जैसे कहा, ड्रोन का ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल, लॉजिस्टिक सेक्टर को वो बहुत मददगार होने वाला है। और हमने बड़ी प्रोग्रेसिव पॉलिसी ऑलरेडी हमने आपके सामने रख दी है। साथियों, एक के बाद एक हुए इस तरह के रिफॉर्म्स के बाद ही देश में लॉजिस्टिक्स का एक मजबूत आधार बनाने के बाद ही इतना सारा हो चुका है, उसके बाद हम ये नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लेकर के आए हैं। क्योंकि हमने एक प्रकार से टेक ऑफ स्टेज पर लाकर के छोड़ा हुआ है। अब आप सब साथियों का इसलिए आवश्यकता है कि अब इतने सारे इनिशिएटिव, इतनी सारी व्यवस्थाएं विकसित हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी टेक ऑफ के लिए हम सबको जुड़ना है और टेक ऑफ करके रहना है। अब यहां से लॉजिस्टिक सेक्टर में जो तेजी आएगी, मैं कल्पना पूरी कर सकता हूं दोस्तों, ये जो बदलाव है वो अभूतपूर्व परिणाम लाने वाला है। और अगर एक साल के बाद इसका इवोल्यूशन करेंगे तो आप स्वयं भी विश्वास करेंगे कि हाँ, हमने तो सोचा नहीं था यहां से पहुंच गए। देखिए, 13-14% की लॉजिस्टिक कॉस्ट के लेवल को हमें जल्द से जल्द, हम सब ने मिलकर के उसको सिंगल डिजिट में लाने का लक्ष्य रखना ही चाहिए। अगर हमें ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होना है तो ये एक प्रकार से लो हैंगिंग फ्रूट है जी। बाकी सारी चीजों में हमें कॉस्ट कम करने में शायद 500 और चीजें मुश्किल कर सकती है, लेकिन ये एक प्रकार से लो हैंगिंग फ्रूट है। हमारे एफर्ट्स मात्र से, एफिशिएंसी मात्र से, कुछ नियमों का पालन करने मात्र से हम 13-14% से सिंगल डिजिट में आ सकते हैं जी।